हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को एमओ ट्रेडर ऐप से ट्रेडिंग कैसे करते हैं, यानी कि अगर आपने मोतीलाल ओसवाल ऐप से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराया है और आप लोग एमओ के थ्रू ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। और हाँ, अगर आप लोग अभी तक अपना डीमैट अकाउंट मोतीलाल ओसवाल ऐप से ओपन नहीं कराए हैं तो जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ एक लिंक मिल जाएगा, लिंक को क्लिक करके आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और यहाँ से अपना ट्रेडिंग का जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे ही आप लोग मोतीलाल ओसवाल ऐप डाउनलोड करेंगे ना, आप लोगों के पास दो ऐप आएगा, ये आप देख पा रहे हैं। एक है आपका एमओ ट्रेडर ऐप, एक है आपका एमओ इन्वेस्टमेंट ऐप। तो आप दोनों के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा तो एमओ इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग को ट्रेडिंग करना होगा तो आप लोग एमओ ट्रेडर ऐप के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, ट्रेडिंग करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एमओ ट्रेडर ऐप को क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये हमने सिंपल एमओ ट्रेडर ऐप को क्लिक कर दिया। तो जैसे ही आप लोग एमओ ट्रेडर ऐप को क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लोग अपने आईडी एंड पासवर्ड को यहां ऐड करेंगे या सबमिट करेंगे, उसके बाद आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको सिंपल ये ओके के ऑप्शंस को क्लिक कर देना है। देखिए, ये है आपका एमओ ऐप का डैशबोर्ड। ओके, यहीं से आपको स्टॉक वगैरह सर्च करना है, यहीं से आपको ट्रेडिंग करना है, यहीं से आपको अपना पोर्टफोलियो वगैरह सारा कुछ आपको देखना है। ओके, तो ये आप देख पा रहे हैं, टॉप पे आपको सिंपल सर्च स्क्रिप्ट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। यहीं पे आपको स्टॉक सर्च करना है जिस पे आपको ट्रेडिंग करना है। तो लेट सपोज हम जो है टाटा स्टील पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो हम यहाँ सिंपल टाटा स्टील क्या कर देंगे, सिंपल सर्च कर देंगे और ये जो पहले नंबर की कंपनी आएगी ना, ये पहले नंबर की कंपनी, बस इसी को आपको सिंपल क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इसको क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद गाइस, हमको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। देख पा रहे हैं आप, नीचे पर आपको बाय और सेल का ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है और ये आप देख पा रहे हैं टाटा स्टील का प्राइस 180 रुपीज़ चल रहा है और हमारा टाटा मोटर्स लगभग 150 रुपये अपसाइड का मूवमेंट गया है, यानी कि हमारा प्राइस कंटिन्यू ऊपर जा रही है। अब ऊपर जा रही है तो हम लोग क्या करेंगे, बाय के ऑप्शंस को क्लिक करेंगे। अगर ये प्राइस नीचे गिरती तो हम क्या करते, सेल के ऑप्शंस को क्लिक करते। तो अभी ये स्टॉक ऊपर जा रही है तो हम क्या करेंगे, सिंपल बाय के ऑप्शंस को क्लिक कर देंगे। ये हमने सिंपल बाय के ऑप्शंस को क्लिक कर दिया। उसके बाद गाइस, आपको क्या करना है, सिंपल ये इंट्राडे के ऑप्शंस को क्लिक कर देना है, यहाँ क्वांटिटी ऐड कर देना है, यहाँ मार्केट सेलेक्ट कर देना है, यहाँ भी मार्केट सेलेक्ट कर देना है एंड सिंपल बाय के ऑप्शंस को क्लिक कर देना है। तो चलिए सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। तो यहाँ हमने इंट्राडे सेलेक्ट कर दिया, यहाँ हमको क्वांटिटी ऐड कर देना है। तो अभी हम चीज़ें सीख रहे हैं इसलिए हम सिंपल एक क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे। उसके बाद गाइस, यहाँ आपको मार्केट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भी आपको मार्केट सेलेक्ट कर देना है एंड सिंपल आपको बाय के ऑप्शंस को क्लिक कर देना है। तो चलिए हम बाय के ऑप्शंस को क्लिक कर देते हैं और ये आपको कंफर्म ऑर्डर के ऑप्शंस को क्लिक कर देना है। आपको ऑर्डर जो है गाइस, थोड़ी देर में मार्केट में प्लेस हो जाएगा। ये मोस्टली 1 सेकेंड लगेगा, 1 सेकेंड पर आपको ऑर्डर जो है मार्केट में प्लेस हो जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं, आपको ऑर्डर मार्केट में प्लेस हो चुका है। अब हम देखते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे चल रहा है। तो आपको ये सिंपल डन के ऑप्शंस को क्लिक करना है, हल्का सा बैक करना है। तो गाइस देखिए, जैसे ही आप लोग बैक करेंगे आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। नीचे पे आप लोग को होम, वॉच लिस्ट और आप लोगों को पोर्टफोलियो और ये ट्रेड का ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो इसी ऑप्शंस को आप लोग को क्लिक करना है गाइस, ट्रेड्स के ऑप्शंस को। ये हमने ट्रेड के ऑप्शंस को क्लिक कर दिया और ये आप देख पा रहे हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ चलना शुरू हो चुका है। आपको अप्रॉक्स 0.09 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। आप कौन से रेंज पर एंट्री किए हैं, आप 181.08 के रेंज पर एंट्री किए हैं, एक क्वान्टिटी के साथ ट्रेड किया है। अभी आपका प्राइस ये चल रहा है 181.05 पैसा, इसलिए आपको कुछ प्रॉफिट एंड लॉस यहां पे दिखाई दे रहा है। तो गाइस, इस टाइप से आप लोग क्या करेंगे, मोतीलाल ओसवाल ऐप के एमओ ट्रेडर ऐप से इस टाइप से आप लोग ट्रेडिंग करेंगे। काफ़ी आसान है और इजी टू यूज़ है ऐप, आसानी से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और आप लोग अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराए हैं तो जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक क्लिक करके आप लोग यहाँ से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओके, हाँ, तो अब गाइस, आपको ऐसा लगता है यार मुझे सफिशियंट प्रॉफिट हो गया या मुझे लॉस हो गया, मुझे यहाँ से एग्जिट होना है, तो ये आपका जो प्रॉफिट लॉस चलते रहेगा ना गाइस, इसी को आपको सिंपल क्लिक करना है ना, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आप देख पा रहे हैं आपके पास एग्जिट का ऑप्शन दिखाई देगा, एग्जिट का ऑप्शन कॉर्नर पे, बस इसी एग्जिट के ऑप्शन को आप लोग को क्लिक कर देना है
और आपको इधर कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सेल के ऑप्शंस को क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये हम सिंपल सेल के ऑप्शंस को क्लिक कर दिए, कंफर्म सेल के ऑप्शंस को क्लिक कर दिए, हमारा ऑर्डर मार्केट में प्लेस हो गया एंड हम मार्केट से बाहर भी हो गए, ठीक है। अब हम डन के ऑप्शंस को क्लिक करते हैं और आप देखेंगे थोड़ा देर के बाद, ये आप देख पा रहे हैं आपका ऑर्डर यहाँ से क्लोज हो चुका है एंड आप जहाँ पर एंट्री किए थे ना वहाँ से आपको अप्रॉक्स 0.13 पैसे का लॉस भी हो गया। अब आप बोलेंगे आपको इतना छोटा प्रॉफिट एंड लॉस क्यों हो रहा है, तो मैं आपको बता दूँ हम अभी चीज़ें सीख रहे हैं। तो अभी हम एक क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया है, अगर हम क्वांटिटी यहाँ इंक्रीज कर देंगे तो हमको बड़ा प्रॉफिट एंड बड़ा लॉस होगा, ठीक है। तो इस टाइप से गाइस आप लोग को स्टेप बाय स्टेप एमओ ऐप से ट्रेड करना है, ओके। और कुछ भी क्वेरी होगी ना तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। और गाइस मैं इसी टाइप के वीडियोस बनाता हूँ, और अगर आप लोग इस टाइप के वीडियोस देखते हैं तो हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, ओके। चले गाइस, बाय बाय, टेक केयर, नए वीडियो पे मिलते हैं जल्दी, तब तक ले बाय, टेक केयर।